नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का आरंभ होने जा रहा है, तो श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ मिलता है, क्या फल मिलता है, आज आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए और हमारे ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको बताते हैं रुद्राभिषेक से क्या फल मिलता है, रुद्राभिषेक का क्या विधान है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रुद्राभिषेक क्या होता है, रुद्र क्या है। रुद्र का अर्थ भूत भावन शिव का अभिषेक। शिव और रुद्र परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है क्योंकि रुतम दुखम द्रावयति नाशयति तिरुद्रः, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों के कारण है। रुद्रार्चन और रुद्राभिषेक से हमारे कुंडली से पातक कर्म एवं महापातक भी जलकर भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का उदय होता है तथा भगवान शिव का शुभाशीर्वाद भक्त को प्राप्त होता है और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। रुद्रद्रयो हृदय उपनिषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्र, सर्वे देवाहा शिवात्मकाहा, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के पूजन के निमित्त अनेक द्रव्यों तथा पूजन सामग्री को बताया गया है। साधक रुद्राभिषेक पूजन विभिन्न विधि से तथा विविध मनोरथ को लेकर करते हैं। किसी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए तदनुसार पूजन सामग्री तथा विधि से रुद्राभिषेक की जाती है। रुद्राभिषेक के विभिन्न पूजन के लाभ कुछ इस प्रकार हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों एवं बाधा दोष एवं ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही हो, तो ऐसी बीमारी को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से अभिषेक करें। लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है एवं बाधा शांत होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने पर बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गोदुग्ध से, गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक से योग्य तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति भी दुग्धाभिषेक से होती है। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है एवं उसका मारण होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा तपेदिक दूर हो जाती है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है। पातकों को नष्ट करने की कामना होने पर शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें।
ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिनों पर मंत्र, गोदुग्ध या अन्य दूध मिलाकर अथवा केवल दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घृत, शहद और चीनी से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने पर शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फल देता है, किंतु यदि पारद के शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारी शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है। विद्वानों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। पुराणों में तो इससे संबंधित अनेक कथाओं का विवरण प्राप्त होता है। रावण ने अपने 10 सिरों को काटकर उसके रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा सिरों को हवन की अग्नि को अर्पित कर दिया था, जिससे वो त्रिलोक विजयी हो गया। भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपनी आंखों के आंसुओं से किया तो वह भी भगवान के वरदान का पात्र बन गया। रुद्राभिषेक करने की विशेष तिथियां जो इस प्रकार है: कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या एवं शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी, ये तिथियों में अभिषेक करने से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्त होता है। काल सर्प योग, ग्रह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभीष्ट सिद्धि के लिए फलदायक है। किसी कामना से किए जाने वाले रुद्राभिषेक में शिव वास का विचार करने पर अनुष्ठान अवश्य सफल होता है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया व नवमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं। इस तिथि में रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि उपलब्ध होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी व द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर होते हैं और उनकी अनुकंपा से परिवार में आनंद मंगल होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी व त्रयोदशी तिथियों में महादेव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं, अतः इन तिथियों में रुद्राभिषेक करने पर अभीष्ट सिद्ध होता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थान में तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिव वास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप सब धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा है कि जब हम अभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख नहीं है जो हमें
रुद्राभिषेक करने या करवाने से प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हमारे इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपने अभी तक ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।